हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टेक्निकल मोटिवेशन में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आप इस ओप्पो एफ 11 प्रो का फर्स्ट लुक देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट से। तो आपको इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस ये डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको 19:5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 90.90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये पूरे पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा, काफी नेरो बेजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर डिस्प्ले के अलावा बात करें तो ऊपर की तरफ आपको इलिवेटिंग या फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि हम पॉपअप सेल्फी कैमरा बात करते वीवो में देखा था हमने। तो वैसे ही आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे बीच में से बाहर आता है। तो 16 मेगापिक्सल का ये आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा F2.0 अपर्चर के साथ। इसके अलावा अगर इसके नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट के अलावा माइक दिया हुआ है और ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल वगैरह दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड अगर हम लोग बात करें तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन दिया हुआ है, और अगर ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो आपको एक सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिलता है। राइट साइड यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन के अलावा सिम ट्रे दिया हुआ है। इसके अलावा पीछे से अगर आप इसका लुक देखेंगे तो आपको काफी शानदार इसका लुक नजर आता है। यहाँ पे आपको ओप्पो का ब्रांडिंग दिया हुआ है, डिजाइन बाय यहाँ पे ओप्पो लिखा हुआ है, और इसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है। पीछे की तरफ ही आपको ड्यूल रियर कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 48 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर की बात करें तो F1.79 अपर्चर के साथ ये देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा। तो ये ड्यूल रियर कैमरा के साथ ही आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो ये तो था इसका फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक। यहाँ पे अगर बात करें ओप्पो एफ 11 प्रो के कुछ स्पेक्स की, तो आपको इसमें कलरलेस वर्जन 6.0 देखने को मिलेगा, जो बेस्ड एंड्रॉइड पाइप पे मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें गेम स्पेस जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तो फोन काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं ये किस प्राइस में ये लॉन्च होता है। यहाँ पे अगर बात करें प्राइस की तो 20 से 25 हज़ार के बीच में ये लॉन्च होना चाहिए, लेकिन 20 से 25 के बीच में लॉन्च होता है या अंडर 20 होता है तो काफी अच्छा ये स्मार्टफोन रहेगा। इसके अलावा देखते हैं इसका लॉन्चिंग पे बाकी फाइनल क्या रहता है। इसके अलावा आपको इसमें 4000 mAh आपको बैटरी देखने को मिलती है, और आपको वूक चार्ज 3.0 भी टेक्नोलॉजी के साथ, ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये फोन आता है, जो कि आपके 4000 mAh बैटरी को आपका 30 मिनट्स के अंदर 49% यानी करीब आधा फोन आपका चार्ज कर देगा 30 मिनट्स के अंदर। इसका पूरा टेस्ट जरूर करेंगे हम चार्जिंग का, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और वीडियो कैसा लगा, फोन कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।